नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार। आज झाझा के पांडे डे का निवासी अनिल राम के बिजली के चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि ये सब्जी बेचने का काम करते थे, सब्जी बेचने के लिए जमुई की तरफ बोधवन तालाब की तरफ जा रहे थे, वहीं बिजली का तार लटका हुआ था और इनको ये इनके ठेले में सट गया और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। इनके चार पाँच छोटे छोटे बच्चे, रहने को घर नहीं, एक टोटल जो बच्चा है वो अनाथ हो गया है। उसके घर में, जब मैं घर की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही दयनीय स्थिति। मैंने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार से टेलीफोनिक बात की, उन्होंने कहा 20,000 रुपया का चेक हम कल दे देंगे। मैंने मुखिया प्रतिनिधि से भी बात किया, उन्होंने कहा कबीर एनसीएफटी का पैसा कल जो होता है 3,000 रुपया मैं भिजवा दूंगा। हालांकि तमाम जो ग्रामीण है सब लोग सरकार से 4,00,000 रुपया जो मुआवजा होता है उसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि ये लोग सड़क भी जाम करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा सड़क जाम करने से कुछ नहीं होगा, सरकार सजग है, सरकार के पदाधिकारी सजग है। यदि आप लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन भी आपका सहयोग कर आपको 4,00,000 का मुआवजा भी मिल सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, पोस्टमार्टम भी हो गया है, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो गई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि लापरवाही कितने लोगों की जान लेगी, लापरवाह अधिकारी पर सरकार अंकुश कब लगाएगा। कई जगह अभी भी देखते हैं बिजली के तार लटके हुए हैं, चाहे वो जमुई हो, सोनो हो, झाझा, मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता। विभाग के अधिकारी को भी, विभाग के कर्मचारी को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बरसात हो रही है, अभी भी कई जगह तारें लटक सकती हैं। ऐसे में विभाग के अगर कर्मचारी सजग रहेंगे तो दुर्घटनाएँ कम हो सकती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये छोटी बेटी लगती है, बड़ी बेटी है, ये लड़का बड़ा है, कैसे, क्या, कौन खिलाएगा खाना जब आपके पापा नहीं रहे, कैसे खाओगे, कैसे खाएंगे। देखिए बहुत तकलीफ है, मेरा भी दिल भर आया है। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, सारे बच्चे अनाथ हो गए। क्या सरकार से मांग करती हैं? इनको मुआवजा मिलना चाहिए सर, बहुत गरीब परिवार से है। अच्छा अच्छा। और इसको चार गो लड़की है, एगो लड़का है, लड़का भी बस देखिए रहे हैं कि 5-7 साल 10 साल का है, इसके ऊपर कोई कमाने वाला है ये नहीं इसके घर में। रहने का भी व्यवस्था इसके पास देखिए सारा, कल पानी पड़ेगा तो कहाँ रहेगा, इसका कहना मुश्किल है। और क्या खाएगा कल से, क्या नाम, क्या मांग करती हैं सरकार से? क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। देखिए दर्शकों का दुख का पाठ टूटा है, बोलने में असमर्थ हैं ये तमाम जो ग्रामीण जो परिजन हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी सरकारी नियम के तहत इनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि परिवार, देखिए पैसा किसी भी जिंदगी का कीमत नहीं दे सकता, लेकिन पैसे से थोड़ा सा बल मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलने से लोग थोड़ा सा जीवन पटरी पर लाने का प्रयास कर सकता है। क्या नाम है आपका? कैसे, क्या हुआ, कौन है मृतक आपके? अनिल राम। अनिल राम भाई है, छोटा भाई। भाई कैसे, क्या हुआ था? जा रहा था सब्जी बेचने के लिए। कहाँ? जमुई। ठीक। तार गिरल था। तार गिरा हुआ था? नहीं, लटकल था। कहाँ? बदवन था। अच्छा, वही ठेला में जो है सच। बंटी चौधरी के, बंटी चौधरी घर। अच्छा अच्छा। उसके बाद? उसके बाद बस लटक गया, सट ले रह गया। अच्छा, तत्काल घटना स्थल पर ही मौत हो गई इनकी। हाँ। कब की घटना है? आज सुबह। आज सुबह कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे। कौन कह रहे मृतक के, कौन, कितने बच्चे हैं? 4-5। कौन कौन, क्या क्या? 3 लड़की है 2 लड़का। क्या मृतक कौन लगते हैं आपके? मेरा मामा है, छोटा मामा। अच्छा, क्या हुआ था इनको? बदमन तला जम्मू में जो है ना सर, करंट लगने से इसका मौत हो गया। अच्छा अच्छा। कितने बच्चे इनके हैं? तीन लड़की है 2 लड़का है। बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की है? बड़ा लड़का, छोटा है। कितना उम्र है? उम्र कितना? 15-16। 10-15 साल के आसपास होगा। अच्छा अच्छा। देखिए आकस्मिक एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है इनके ऊपर। ये तमाम जो परिजन हैं, गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग। आखिर बिजली विभाग की एक तरफ से लापरवाही सामने आई है, कहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि लगातार देखिए अभी बारिश का मौसम है और ऐसे में तार का झूलना और घटना स्थल पर ही किसी भी व्यक्ति का, ये तो कोई भी अधिकारी की भी मौत हो सकती है या कोई भी आम जनता की जान जा सकती है। अगर इस तरह से लापरवाही रहेगी तो आम जनता की ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है दर्शकों।